अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हैदर अली के फ़ैन हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, आपके लिए आज बहुत ही मज़े की खबर है। दोस्तों कॉपी टीम के नौजवान बल्लेबाज हैदर अली ने T20 फॉर्मेट में डेब्यू पर निसब सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों हैदर अली ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में सिर्फ 28 गेंदों पर निसब सेंचुरी स्कोर की। इससे कबल उमर अमीन ने 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 47 रन स्कोर किए थे। उससे कबल मैनचेस्टर में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में इंग्लैंड के कप्तान इवन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज किया तो दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन अली ने फखर जमान की विकेट बखेर दी। बाबर आजम ने हैदर अली के साथ मिलकर स्कोर को 32 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन 21 रन बनाने के बाद वो टॉम कर्न की विकेट बन गए। इसके बाद हैदर अली का साथ देने मोहम्मद हफीज आए और दोनों खिलाड़ी खसूसन डेब्यू करने वाले हैदर अली ने उम्दा बैटिंग करते हुए निसब सेंचुरी शराकत मुकम्मल की। मोहम्मद हफीज ने आदर रशीद को लगातार 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान की सेंचुरी मुकम्मल कराई। दूसरे एंड से हैदर अली ने पहले ही मैच में उम्दा खेल पेश करते हुए सिर्फ 28 गेंदों पर 2 छक्कों और 5 चौकों की मदद से निसब सेंचुरी मुकम्मल की। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।